हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 धातु और अधातु के कुछ और टॉपिक्स। सबसे पहले हम आज की वर्कशीट में डिस्कस करेंगे कि धातु जो हैं वो अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं, साथ ही धातुएं जो हैं अन्य धातु लवणों के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं और सक्रियता श्रेणी क्या होती है। चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि धातुएं जो हैं अन्य तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, लवण और हाइड्रोजन। ये जो बेटा इन्होंने ये जो ब्लू कलर में इक्वेशन दी हुई है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि कभी भी अगर धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो वो हमेशा क्या बनाएंगी, लवण और हाइड्रोजन। इसमें भी अपवाद हैं कुछ, लेकिन अगर आप देखें तो जो मेन बेसिक इक्वेशन है अभिक्रिया की वो यही है कि धातुएं भी कभी भी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं कि जैसे सोडियम है, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है आपको, सोडियम जो है अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड है बेटा, ये हमारा क्या है, लवण, और क्या निकालेगा, और हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, ऐसे ही जिंक जो है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड, लवण और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, हमने कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हाइड्रोजन गैस किसी भी रिएक्शन में निकलती है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम उसके पास अगर जलती हुई माचिस की तीली लेकर जाते हैं, अगर उस पर पॉप ध्वनि निकलती है तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। कॉपर जो है, कॉपर जो धातु होती है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है वो कम क्रियाशील होता है, इसलिए वो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता। आगे देखते हैं, जब धातुएं, कोई भी अगर धातु होती है बेटा, अगर नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर वो अभिक्रिया करती है तो नाइट्रिक अम्ल जो है वो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करते, मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते। क्यों, अब क्वेश्चन तो ऑब्वियसली, कोई भी चीज़ अगर नहीं करता तो उसका एक कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो रीज़न ये होता है कि नाइट्रिक अम्ल जो है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीजनेटर है, मतलब कि वो ऑक्सीजन को जोड़ता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस उस रिएक्शन में निकलेगी, वो क्या करता है, उस हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन को जोड़कर क्या बनाता है, जल। ठीक है, ऑक्सीजन को, मतलब हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करता है, जिससे कि वो जल में परिवर्तित हो जाता है, और ये स्वयं भी अपने आप में क्या करता है, अपने आप को ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीजन जोड़कर क्या बनाता है, N2O, NO, NO2, इसमें अपचयित हो जाता है। इसका मतलब, ऑक्सीकारक का मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन को जोड़ता है। लेकिन मैग्नीशियम, आगे हम बात करते हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये अति तनु अम्ल, मतलब बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर देते हैं। इसकी भी आपको इक्वेशंस दी हुई हैं। इन इक्वेशंस में आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है कैसे नाइट्रिक अम्ल के साथ, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करें। उसी तरीके से मैग्नीज की भी इक्वेशन आपको दी हुई है। जो अभी तक मैंने दो तीन बार, मतलब कई बार तनु अम्ल की बात की है। तनु अम्ल क्या होते हैं बेटा, वो अम्ल होते हैं जिसमें कि एसिड जो है, मतलब अम्ल जो है वो कम मात्रा में होता है, और उसको, उसके अंदर अगर हम पानी की बात करें तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, जिसमें अम्लों की मात्रा कम होती है उन्हें हम तनु अम्ल कहते हैं। आगे देखते हैं हम, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती है, मतलब
जैसे एक तो हमारा धातु हो गया, जैसे इन्होंने रिएक्शन में दिया हुआ है बहुत अच्छे से कि एक मिनट, जैसे एक तो हमारा धातु ए हो गया, दूसरा बी का लवण हो गया, ये भी धातु है लेकिन उसका लवण विलयन हो गया। तो अब अगर ये दोनों आपस में अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनेगा, अगर धातु ए जो है बी से ज़्यादा क्रियाशील होगी तो वो क्या करेगी, अपना लवण विलयन बना लेगी और धातु बी को निकाल देगी। देखो बेटा, इसमें आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर ये ज़्यादा ताकतवर है तो वो क्या करेगा, अगर इसके पास कुछ भी सामान होगा वो उसको खुद के पास छीन लेगा और उसको छोड़ देगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर धातु ए ज़्यादा क्रियाशील होगी तो वो बी के लवण से बी को निकाल कर अपना खुद का लवण बना देगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। पहले में क्या है कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के लवण विलयन, मतलब कॉपर सल्फेट जो यहाँ पर है वो क्या है, ये जो कॉपर सल्फेट है ये लवण विलयन है कॉपर का। अगर ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और अगर आयरन जो है वो ज़्यादा क्रियाशील होगा तो देखो उसने क्या किया, अपना खुद का लवण विलयन बना लिया, मतलब फेरस सल्फेट बनाकर कॉपर को निकाल दिया, ठीक है। उसी तरीके से आप आगे देखेंगे कि कॉपर ने जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया की, क्योंकि कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है सिल्वर से, तो उसने क्या किया, खुद का लवण विलयन बना दिया और सिल्वर को निकाल दिया। ए जी जो है वो सिल्वर का सिंबल है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं कि आगे हमें बताया गया है कि सारी जो धातुएं हैं वो समान रूप से क्रियाशील अभिक्रियाशील नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा क्रियाशील होती है, कुछ कम क्रियाशील होती हैं। और अगर हम ऑक्सीजन, पानी और अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता देखते हैं तो वो भी अलग अलग है, ठीक है। तो वो हम कैसे देखते हैं, वो हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी की मदद से, ठीक है बेटा। इससे पहले आपको जो इन्होंने ये रिएक्शन करके दिखाई थी आयरन वाली, लोहे और कॉपर सल्फेट वाली, वो देखो कैसे। कॉपर सल्फेट को बेटा हम हिंदी में नीला थोथा भी बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को हम हिंदी में नीला थोथा बोलते हैं। तो आप जैसे देख सकते हो ये जो ब्लू कलर की जो हमारी परख नली है, इसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट, नीले रंग का कॉपर सल्फेट का विलयन है। इस पे क्या डाला गया, इसमें धागे की सहायता से और कॉर्क से उसको टाइट करके इसमें क्या डाला गया, एक लोहे की कील। और जब कुछ देर बाद जब देखा गया तो वो कैसा हो गया, जो नीले रंग का हमारा जो विलयन था वो अब ये आयरन सल्फेट में परिवर्तित होकर उसका रंग जो है वो परिवर्तित हो गया है, ठीक है। और ये जो है, ये जो बचा है ये क्या है, तांबे की तार, इसके ऊपर तांबा आ गया। और ये जो हमारा सॉल्यूशन नीले रंग का था वो अब कैसा हो गया, ये इस कलर का हो गया, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं सक्रियता श्रेणी क्या होती है, कैसे काम करती है। सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी या सूची है जिसमें धातुएं जो हैं अपनी क्रियाशीलता की अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर हम सूची में देखें तो सबसे पहले क्या आता है, पोटेशियम, फिर सोडियम, इसी तरीके से बहुत सारी हमारी धातुएं जो हैं वो अपनी क्रियाशीलता की श्रेणी में, क्रियाशीलता की अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर इसमें क्रियाशील कौन से हैं, ये ऊपर वाले हमारे, अगर आप इनकी बात करते हैं तो ये जो ऊपर वाली धातुएं हैं ये सारी हमारी ज़्यादा क्रियाशील हैं। फिर उसके बाद हम नीचे आते, देखो लिखा हुआ है घटती अभिक्रियाशीलता, मतलब ये कम क्रियाशील हैं। उसके बाद अगर हम नीचे और नीचे आएंगे तो वो सबसे कम क्रियाशील हैं, ठीक है। तो आपको ये बेटा सक्रियता श्रेणी याद करनी पड़ेगी, और इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, केदार, देखो केफ और केदार, नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और कम डालता है, ठीक है। तो केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और कम डालता है, ठीक है। तो के से हमारा पोटेशियम, एन ए जो है वो सोडियम का है। तो आपको उस तरीके से ये सारे सिंबल भी याद करने पड़ेंगे सक्रियता श्रेणी में, ठीक है बेटा। अब ये कैसे कैसे काम करती है, देखो इस सक्रियता श्रेणी के ऊपर
अब इस सक्रियता श्रेणी में आप देखेंगे कि जो ऊपर वाली धातुएं हैं वो ज़्यादा क्रियाशील हैं और वो सामान्य परिस्थितियों में भी मतलब अभिक्रिया कर लेती है, लेकिन जो नीचे वाली धातुएं हैं, ये जो कॉपर हो गया, ये सब धातुएं नहीं करती। इसीलिए हम मतलब सोने जैसी धातुओं के आभूषण बनाते हैं, और बाकी जो ये हमारी ऊपर वाली धातुएं हैं ये सब क्या करती हैं, इनका मतलब इन ये जो है ऑक्साइड में जल्दी परिवर्तित हो जाती हैं। हाइड्रोजन जो है वो हमारा मतलब धातु नहीं है, फिर भी हमने उसको क्रियाशीलता श्रेणी में इसलिए रखा है क्योंकि ये जितने भी अम्ल होते हैं वो सारे हमारे हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा और प्रश्नों को हल करके देख। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील धातु में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो बेटा हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी धातु में मिलाने पर किसी भी धातु को अम्लों तनु अम्लों में या अम्लों में मिलाने पर क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। जस्ते कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया लिखें, वो अभी हमने डिस्कस किया, आप ऊपर से देखकर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के घोल के साथ अभिक्रिया करता है। तो वो रिएक्शन अभी हमने पढ़ी थी, ये वाली, ठीक है, कि कॉपर जो है वो हमारा तनु कॉपर जो है वो हमारा नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो सिल्वर को विस्थापित कर देता है, उसकी जगह से खुद कॉपर नाइट्रेट बना देता है। तीसरा क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के बर्तन में रखा गया था, कुछ दिनों बाद लोहे के बर्तन में बहुत छेद हो जाते हैं। तो अब बेटा इसका समीकरण लिखना है, वो भी सेम यही वाला है जो हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था कि जो कॉपर सल्फेट को आयरन के बर्तन में लोहे के बर्तन में रखा जाता है क्योंकि लोहा जो है ज़्यादा क्रियाशील है, तो वो कॉपर को अपनी जगह से विस्थापित करके अपना खुद का लवण विलयन बना देगा, फेरस सल्फेट बना देगा। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, आपको ये टेबल दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उन्होंने ये दिया है कि जैसे ए जो है, ए बी सी डी चार धातुएं हैं और ये हमारे पास चार लवण विलयन है, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, तो वो किसके साथ कैसे कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। देखो इसको देखने के लिए हम पहले ये देखेंगे इन सब में सबसे ऊपर कौन आता है सक्रियता श्रेणी में। तो बेटा सबसे ऊपर आता है जिंक, फर्स्ट नंबर पे आता है जिंक, सेकंड पे आता है आयरन, थर्ड पे आता है कॉपर और फोर्थ पे आएगा सिल्वर, अगर आप सक्रियता श्रेणी को देखें। तो अभी आप टेबल में ये देख के बता सकते हैं, देखो जिंक तो किसी के भी साथ क्रिया नहीं कर रहा है, अभिक्रिया नहीं कर रहा है, इसका मतलब जिंक को हम छोड़ देंगे। दूसरे नंबर पर क्या देखेंगे हम, कि आयरन को देखेंगे, तो देखो ए तो नहीं कर रहा, सी भी नहीं कर रहा, डी भी नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, बी, इसका मतलब बी जो है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। आगे देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या हुआ। देखो बेटा अगर कोई भी चीज़ आयरन को विस्थापित करे, लोहे को विस्थापित करे, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, कॉपर को भी विस्थापित करेगी। तो क्या आंसर आएगा, कि वो कॉपर को विस्थापित कर देगा। तीसरा क्वेश्चन, ए बी सी डी को क्रियाशीलता की के घटते हुए अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है हमारा कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, बी, उसके बाद कॉपर में देखेंगे हम, फिर कौन है, ए, क्योंकि वो कॉपर को विस्थापित कर रहा है, फिर कौन है, सिल्वर को कौन कर रहा है, सी, और कौन किसी को भी नहीं कर रहा, वो क्या है हमारा, डी। तो ठीक है बेटा, आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।